दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, आज से बदल जाएंगे कई नियम, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। जी हां, 1 सितंबर से कई नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का आम लोगों की जेब पर सीधा असर होगा। हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं। इसके अलावा इस बार पीएफ बीमा ब्याज के दर के नियमों में बदलाव होगा। सबसे पहले बात करें तो 1 सितंबर से रसोई गैस सिलेंडर के कीमत में बदलाव होगा। इसके अलावा 1 सितंबर से पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत 50,000 रुपये से अधिक का चेक क्लियर होगा, यानी अब 50,000 से अधिक राशि खाते से कटने के पहले खाताधारक को फोन कर बैंक वेरिफिकेशन करेगा। पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों को अगले माह से झटका लगने वाला है। दरअसल पीएनबी 1 सितंबर से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती करने वाला है, यह जानकारी बैंक के आधिकारिक वेबसाइट से मिली है। वहीं 1 सितंबर से कार बाइक की बिक्री पर संपूर्ण बीमा अनिवार्य होगा। यह बीमा 5 साल की अवधि के लिए चालक, यात्री और वाहन के मालिक को कवर करने वाले बीमा के अतिरिक्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो नियोक्ता आपके पीएफ अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। ईपीएफओ ने ईपीएफ खाताधारकों को 1 सितंबर से पहले आधार को यूएएन से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। बड़ी खबर, बिहार में प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास बेचने पर पाबंदी, भंडारण परिवहन पर भी होगी कार्रवाई। जी हां, प्लास्टिक और थर्माकोल से बने सामान पर अब बिहार में पूरी तौर पर पाबंदी लगेगी। इसको लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य में 14 दिसंबर की मध्य रात्रि के बाद सिंगल यूज वाले प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, काटा, चम्मच, स्ट्रा, प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट समेत सभी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर रोक लग जाएगी। पर्यावरण एवं वन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इसका उल्लंघन करने वाले पर आर्थिक दंड के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में बाढ़ संकट, 10 जिलों में फिर से बड़ा खतरा, उफान पर है नदियां। जी हां, बिहार में बाढ़ का संकट अभी टला नहीं है। मानसून भले ही अब अपने अंतिम दौर में हो लेकिन राज्य के ज्यादातर नदियां अभी भी उफान पर है। उत्तर बिहार के साथ कोसी क्षेत्र में बाढ़ का संकट फिर गहराता जा रहा है। नेपाल से निकलने वाली ज्यादातर नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में इस वक्त कुल 10 बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी से भी बड़ा क्षेत्र में लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में भी बक्सर से भागलपुर तक एक बार से उफान आने लगा है। हालांकि हाथीदह और कहलगांव को छोड़कर सभी जगहों पर लाल निशान से नीचे है। कोसी नदी खगड़िया में लाल निशान से 2.25 मीटर ऊपर बह रही है। कटिहार में यह नदी लाल निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंडक भी गोपालगंज में 142 और मुजफ्फरपुर में 54 सेंटीमीटर ऊपर है। इन जिलों में इसका बढ़ना अभी जारी है। नदियों में जारी उफान को लेकर जल संसाधन विभाग लगातार अलर्ट पर है। बड़ी खबर, बिहार के कुछ जिलों में तेज बारिश के आसार, बाकी हिस्सों में सताएगी गर्मी और उमस। जी हां, बिहार में मानसून फिर कमजोर पड़ गया है। अगले 5 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश होगी, उसके बाद इसमें तेजी आने की उम्मीद है। राज्य में सितंबर तक मानसून की बारिश होती है। फिलहाल मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर, अजमेर, छत्तीसगढ़ होते हुए विशाखापट्टनम तक गुजर रही है। इससे पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि कुछ जगहों पर स्थानीय कारणों से बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश से बिहार में उफनाई नदियां, हाईघाट के रेलवे पुल तक पहुंचा पानी, 4 ट्रेनें रद्द। उत्तर बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मंगलवार को समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के मध्य हाईघाट एवं धलवारा स्टेशन के बीच स्थित रेल पुल संख्या 16 के निकट बाढ़ का पानी आ जाने के कारण यात्री सुरक्षा एवं संरक्षक के मद्देनजर धलवारा हाईघाट रेलखंड से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है।
जानकारी के अनुसार नदियों के उफनाने से ट्रैक के करीब पानी पहुंच गया है, जिसके बाद रेलवे ने पटना जयनगर स्पेशल सहित चार ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। उन चार ट्रेनों में पटना जयनगर स्पेशल ट्रेन, जयनगर भागलपुर स्पेशल ट्रेन, समस्तीपुर जयनगर स्पेशल ट्रेन और जयनगर समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन शामिल है। बिहार पंचायत चुनाव के दौरान कर्मचारियों को हुई मौत तो 30 लाख की मदद देगी सरकार। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान अगर मतदान कर्मी की मौत कोविड से होती है तो उनके निकटतम आश्रितों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंचायती राज विभाग ने यह ऐलान कर दिया है। शनिवार को जारी आदेश में विभाग ने कहा कि अगर चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों की मौत कोविड के अलावा उग्रवादी घटना से भी होती है तो सहायता राशि 30 लाख दी जाएगी। वहीं अन्य किसी वजह से मौत होने पर सहायता राशि 15 लाख रुपए होगी। बिहार के शरद कुमार को मिला ब्रॉन्ज मेडल, पटना स्थित आवास पर जश्न का माहौल। जी हां, टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के शरद कुमार छा गए हैं। शरद कुमार को ऊंची कूद T42 स्पर्धा में कांस्य पदक मिला है। शरद यह सफलता हासिल करने वाले बिहार के पहले पैरा एथलीट है। यह सफलता पूरे देश के साथ ही पूरा बिहार खुशी से झूम रहा है। शरद के पटना स्थित आवास पर जश्न का माहौल है। हालांकि शरद कुमार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उनकी इस सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य ने बधाई व शुभकामनाएं दी है। बड़ी खबर, 5 दिन बाद दूसरी बार लगे 1 करोड़ से ज्यादा टीके, वैक्सीनेशन का बना नया रिकॉर्ड। जी हां, कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में मंगलवार को देश ने एक और कीर्तिमान बना दिया है। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए मंगलवार को करीब 1.9 करोड़ लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। सिर्फ 5 दिन के भीतर यह दूसरी बार है जब देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन कराया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवा के मुताबिक देर शाम तक 1,08,83,963 लोगों ने टीकाकरण कर लिया था। दूसरी ओर बिहार में भी कोरोना टीकाकरण का महाअभियान, कल 13 लाख से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन। जी हां, बिहार में मंगलवार यानी 31 अगस्त को कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 लाख से अधिक लोगों ने शाम तक कोरोना की वैक्सीन लगवाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में वैक्सीनेशन 3 करोड़ के पार हो गया है। बड़ी खबर, बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आज से शुरू होगा काउंसलिंग। जी हां, बिहार में बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए बुधवार यानी 1 सितंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षा शास्त्री सत्र 2021-23 में सफल छात्र भी नामांकन ले सकेंगे। परीक्षा में सफल छात्र अपने हिसाब से कॉलेज का चयन कर सकते हैं। इस बार भी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण विश्वविद्यालय बनाया गया है। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 सितंबर 2021 से शुरू कर दी जाएगी। यह 12 सितंबर 2021 तक चलेगी। सीईटी बीएड 2021 की प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.bihar.cetbed.inmu.in पर जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं महाविद्यालय में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बड़ी खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने 2 दिनों में बकाया वेतन देने का दिया आदेश। जी हां, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार के फैसले के बाद 2 दिनों में नियोजित शिक्षकों की बकाया सैलरी का भुगतान हो जाएगा। राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को जून और जुलाई का एक मुश्त वेतन भुगतान करने का आदेश सूबे के सभी जिलों को दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को 1,648,84,19,430 रुपये सभी जिलों को जारी कर दिया गया है। जिसके बाद अब 2 दिन के भीतर शिक्षकों को 2 महीने की बकाया सैलरी का भुगतान हो जाएगा। बड़ी खबर, लालू यादव की बिहार में जल्द होगी एंट्री, पटना आने की हो रही है तैयारी, तेजस्वी ने कर दी है पुष्टि। जेल से रिहा होने के बावजूद दिल्ली में रह रहे लालू प्रसाद यादव की अब जल्द ही बिहार में एंट्री होगी। लालू के पटना आगमन की तैयारी हो रही है।
तेजस्वी यादव ने लालू यादव के जल्द ही पटना आने की पुष्टि कर दी है। दिल्ली से कल पटना पहुंचे तेजस्वी प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लालू जी की तबीयत पहले से ठीक है, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है धीरे धीरे। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल जन्माष्टमी था, दिल्ली में हमारी जो बहन रहती है उनके यहाँ मनाया गया था, तो वहाँ लालू जी गए थे। मुझे लगता है कि वे जल्द से जल्द बिहार आएंगे। वहीं लालू यादव के नजदीक लोग बता रहे हैं कि उनके पटना आने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर, जमीन विवाद कम करने के लिए नीतीश सरकार का एक और बड़ा कदम, अब यूनिक कोड सिस्टम लागू होगा। जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह कहते रहे हैं कि आपराधिक मामलों के पीछे जमीन विवाद एक बड़ी वजह रहा है। राज्य सरकार ने इसी दिशा में काम करते हुए जमीन विवाद के मामले को कम करने के मकसद से कई बड़े फैसले किए हैं। अब नीतीश सरकार एक और नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। बिहार में जमीन से जुड़े हर मुकदमे का अब एक अलग यूनिक कोड करने का सिस्टम होगा। यह कोड विवाद की गंभीरता को इंगित करेगा। इसी के साथ ही सभी विवादों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 11 श्रेणियों में बांटने का फैसला किया है। किसी भी स्तर के कोड के फैसले को तुरंत लागू किया जाएगा। इसके मॉनिटरिंग के लिए गृह विभाग एक सॉफ्टवेयर विकसित करेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड ने फिर बढ़ाई इंटर में एडमिशन की तारीख, देखिए कब तक ले सकते हैं नामांकन। जी हाँ, बिहार बोर्ड ने प्लस टू स्कूल और कॉलेज में इंटर में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल स्टूडेंट 4 सितंबर तक एडमिशन करवा सकते हैं। इससे पहले एडमिशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। और अंत की बड़ी खबर, आम आदमी को एक और झटका, पटना में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी। जी हां, अनलॉक 6 जारी होने के बाद आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। राजधानी पटना में सीएनजी और पीएनजी का रेट महंगा हो गया है। गैस कंपनी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से उसे रेट बढ़ाना पड़ा है। गेल ने बताया कि पटना में अब सीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब सीएनजी 62.90 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट पर मिलेगी। इसके अलावा पीएनजी का रेट 50 पैसे बढ़ाया गया है, जिसके बाद अब पीएनजी 31.1 रुपये प्रति एससीएम के दर पर मिलेगी। पटना में सीएनजी और पीएनजी की कीमत 6 माह बढ़ी है। वहीं पटना में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पटना में मंगलवार को पेट्रोल 103.99 रुपये और डीजल 94.75 रुपये प्रति लीटर रहा। आज के लिए आपका सवाल, आपके अनुसार इस बार के पंचायत चुनाव में आप किन मुद्दों पर अपने मुखिया को चुनने वाले हैं? इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।